धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और इन टीचर्स डे सेलिब्रेशन में मुझे विषय दिया गया है कि बी लाइक ए ईगल, बाज से हमें कुछ सीखना है। बहुत कुछ चीज ये बड़ी चिड़िया हमें सिखाती है। बाज की क्या खासियत है? इसमें बहुत कुछ सीख है इंसान के लिए, खासकर उन लोगों के लिए, उन युवा लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ईगल की पहली खास चीज यह है कि वो अकेले उड़ते हैं। उन्हें अपने पंखों पर, अपने विजन पर इतना विश्वास होता है कि उनको मालूम है मैं सक्षम, आई कैन फ्लाई अलोन। वो कभी स्पैरोज के साथ और कबूतरों के साथ नहीं उड़ते, दे फ्लाई अलोन एंड दे फ्लाई विद ईगल। ऊंची उड़ान उड़ते हैं। टच द स्काई, कभी आप इनको देखें तो ऊंची से ऊंची उड़ान उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण है और उनको मालूम है उन्हें कहां जाना है। हमसे बहुत कुछ सीखना है। आप किसी के कंधों पर विश्वास रखकर ऊपर उड़ान नहीं कर सकते, किसी उधार करी ऊर्जा से आप ऊपर नहीं उड़ सकते, अपने ही बूते पर उड़ना पड़ेगा। तीसरी चीज, जब बारिश होती है, जब तूफान आता है तो उनको बड़ा मजा आता है, दे फील एक्साइटेड। जब सब पक्षी छुप जाते हैं पेड़ों की डालियों के अंदर, तब ये पक्षी निकलता है, चैलेंज करता है, अच्छा लगता है उसको। चैलेंज से डरता नहीं है, कि जो आदमी कंफर्ट जोन छोड़ेगा, कंफर्ट जोन में किसी की ग्रोथ नहीं होती। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी आपकी ग्रोथ होती है। तो उससे चैलेंजेस को लेना सीखिए सही मानक में। तीसरी चीज, इनकी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। जो इनके भरोसे का घास है, पंख जहां है, मां उनको धक्का देती है, वो जमीन में गिरते हैं, अनकंफर्टेबल लगता है, तो उनके पास कोई चारा नहीं, उड़ना सीख जाते हैं। बहुत रिगरस ट्रेनिंग उड़ने की, उड़ने की नहीं, ऊपर उड़ने की। एक और खास चीज, ये कभी भी किसी और के शिकार को खाना नहीं बनाता, अपना शिकार, वो भी फ्रेश शिकार, पुराना नहीं। खासियत है। पुराने का मतलब है पास्ट इज पास्ट, आगे बढ़ना है, यू गो ऑन एंड ऑन। ये खास चीज है इस पक्षी में। ये अपने पार्टनर को छूते, ट्रस्ट पार्टनरशिप के लिए बहुत एसेंशियल है। जो मादा पक्षी है वो इंटीग्रिटी और ट्रस्ट पे विश्वास करता है, तब पार्टनर बनाते हैं। एक और खास बात, एक बाज जो है
वो 70 साल जीता है। 40 साल की उम्र में उसका विजन हल्का सा कम हो जाता है। अदरवाइज कहते हैं बाज जो है उसका विजन 5 किलोमीटर दूर तक अपने शिकार को देखता है। 5 किलोमीटर दूर तक देखता ही नहीं है, तब तक उसका फोकस रहता है जब तक कि उसको पकड़ ना ले, दबोच ना ले अपने शिकार को, तब तक वो फोकस चेंज नहीं करता। ये 40 साल की उम्र में उसको लगता है कि जो चोंच है वो मुड़ गई है, जो उसके जो पंजे हैं वो भी लंबे हो गए, तो शिकार की बढ़िया पकड़ नहीं रहती और उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, वो भी उनके लिए ऊंची उड़ान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास ऑप्शन है शरीर त्याग दे क्योंकि शिकार नहीं हो पा रहा, दूसरे तरह गिद्ध की तरह हो जाए, दूसरे से शिकार किया वो आप पुराना वराना खा के निपटो ना, और तीसरी चीज है अपना पुनर्जन्म कर ले। सुबाज जो है वो 40 साल की उम्र में एकांत पहाड़ों पे जाता है, पहाड़ से चोंच पटक पटक कर तोड़ता है अपनी चोंच को, वेट करता है कि ये चोंच कब ग्रो हो। जब चोंच ग्रो होती है तो फिर वो अपने पंजों को जो लंबे हो गए हैं नाखून उनको तोड़ता है, फिर उनको ग्रो होने देता है और आखिर में अपने सारे पंख नोच नोच कर कम करता है, फिर उनको ग्रो करना है। तो इस तरह से 150 दिन लगते हैं बाज का पुनर्जन्म होने में, चोंच चेंज हो जाती है, पंजे ठीक हो जाते हैं और पंख हल्के हो जाते हैं। उसके बाद वो 35 साल और जीता है, पर पूरे उत्साह से पूरे ऊर्जा से बादशाह होके जंग में जीतने के लिए। तभी हम लोग कहते हैं आपको ईगल की तरह होना चाहिए, बाज की तरह होना चाहिए, जो अकेले उड़ान लड़ते हैं, ऊंची उड़ान लड़ते हैं, अपना शिकार खुद करते हैं, दूसरे का अच्छी ट्रेनिंग में विश्वास करते हैं और विजन बिल्कुल फोकस्ड होता है और अपना पुनर्जन्म किस तरह से सुंदर तरह से करते हैं।